Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider, Nisha Sharma. So guys, आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि बिना कोचिंग कैसे करें सीटेट की तैयारी. कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही आई थिंक ईजी एग्ज़ाम होता है. हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की यदि हम कंपेरिजन करें तो सबसे ईजी सीटेट का एग्ज़ाम ही होता है. बहुत सिंपल से तरीके से, बहुत सिंपल सी तैयारी से आप सीटेट को क्लियर कर सकते हो. तो किस तरीके से करेंगे हम सीटेट की तैयारी, मैं आपको बताती हूँ. तो सबको पता है सीटेट, भाई उठती उठती खबर है कि सीटेट के फॉर्म भरे जाने हैं. होप सो भरे जाएं जून जुलाई, जुलाई के आसपास. चलो देखते हैं जब भी पेपर होगा दिसंबर वगैरह में. अभी तक तो पेपर लेवल वन और लेवल टू पे ही था. होप सो सुनने में आ रहा है, नॉट श्योर, कि पेपर लेवल थ्री पे भी हो सकता है, पीजीटी वाले लेवल पे. पर मुझे मुश्किल लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होगा. या दूसरी चीज़, आपको पता है सीटेट के सिलेबस को लेके कहा जा रहा है नया सिलेबस भी आ सकता है, यही भी रह सकता है. अब देखो कुछ नया चेंज होता है तो हम नई वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब तक जो तरीका चल रहा है उसके हिसाब से यदि मैं बात करूँ इस वीडियो में, तो जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता इसी तरीके से पढ़ेंगे. बट उम्मीद कम ही है सीटेट का सिलेबस चेंज होने की मुझे तो. बाकी देखो क्या होगा. सीटेट आपको पता है टू लेवल्स पर कंडक्ट करवाती है आपका जो CBSE है, लेवल वन और लेवल टू. ठीक है, लेवल वन एंड लेवल टू, टू लेवल्स पर आपका सीटेट कंडक्ट किया जाता है. लेवल वन जो होता है 1 to 5 वालों के लिए, और लेवल टू होता है जो 6 to 8 वालों के लिए. ठीक है, जो 6 to 8 जिसको हम TGT बोल देते हैं. ठीक है, हम इसको TGT लेवल भी बोल देते हैं और इसको हम PRT लेवल भी बोल देते हैं. JBT DLED वाले स्टूडेंट इसको करते हैं और लेवल टू वाले जिन्होंने BEd किया होता है वो इसको करते हैं. अब बात कर लेते हैं सीटेट के सिलेबस की. सीटेट का सिलेबस बिल्कुल ही सिंपल सा है. पेपर होता है 150 मार्क्स का. कंप्लीट बताऊंगी इस वीडियो में कि विदाउट कोचिंग कौन सी बुक क्या पढ़ के आप सीटेट क्लियर कर सकते हो. 150 मार्क्स का आपका सीटेट का एग्जाम होता है, सबको पता है. क्वालिफाइंग 90 मार्क्स होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 82 वगैरह, 83 OBC और SC वगैरह के लिए. बट 150 में से 90 का एवरेज मान के चले जनरल कैटेगरी के लिए. OBC को भी 90 ही लेने चाहिए क्योंकि आपको पता है बाद में हम DT+ भी भरते हैं तो जनरल में कंसीडर होते हैं, फिर वो 82-83 वाले को प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, तो सभी बच्चे डोंट थिंक मैं SC BC हूँ मेरा तो 82-83 में हो जाएगा. एटलीस्ट 90 की सोचो, क्योंकि हो भी जाएगा तो बाद में DSSB वगैरह फॉर्म्स फिल करने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो मतलब आपको 90 मार्क्स लेने हैं. अब पेपर में क्या क्या आता है. पेपर जो आपका 150 मार्क्स का होता है उसमें 30 मार्क्स की तो आती है आपकी CDP, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या यू कैन से पैडागोजी. ठीक है, तो 30 मार्क्स का आपका ये रहता है, 30 मार्क्स का सेक्शन, जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी भी कह सकते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी भी कह सकते हो, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, कुछ भी आप कह सकते हो. ठीक है, फिर आपको 30 मार्क्स का आता है हिंदी, हिंदी लैंग्वेज. मैंने यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया है, इसका पीछे रीज़न है. खाली हिंदी होता तो हिंदी ग्रामर, हिंदी कुछ भी आ जाता, ये हिंदी लैंग्वेज है. पैडागोजिकल इश्यूज आते हैं, बताऊँगी कैसे. फिर आपको 30 मार्क्स रहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज. अब यहाँ पे जो लैंग्वेज होता है बच्चे, ये सीटेट में सेलेक्ट करनी होती है. कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश लेता है, कोई संस्कृत लेता है, कोई पंजाबी भी ले सकता है, कोई कुछ भी ले सकता है, सीधी सी बात है. आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कोई भी दो लैंग्वेज. बट बेसिकली वी आर फ्रॉम हरियाणा, दिल्ली NCR में हिंदी और इंग्लिश को ही चूज़ किया जाता है. तो मैं हिंदी और इंग्लिश को ही डिफाइन करके आपको सिलेबस बताऊंगी. फिर आपका जो 60 मार्क्स का रहता है लास्ट सेक्शन, जो आपका 60 मार्क्स का रहता है वो आपका सब्जेक्ट का रहता है. वो आपका क्या रहता है बच्चे, सब्जेक्ट का रहता है. अब सब्जेक्ट जो लेवल वन वाले हैं उनके लिए अलग होता है और लेवल टू वालों के लिए अलग होता है. लेवल वन वाले जो हैं उनके लिए सब्जेक्ट होता है बच्चे EVS एंड मैथ्स. ठीक है, उनके लिए सब्जेक्ट होता है EVS एंड मैथ्स. जो लेवल वन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको EVS एंड मैथ्स को सोल्व करना पड़ता है अपने 60 मार्क्स के अंदर. लेकिन जो लेवल टू वाले स्टूडेंट होते हैं TGT में, SST में, ध्यान से सुनना, उनको अपने सिलेबस में दो पोर्शन मिलते हैं, या तो SST या फिर मैथ्स एंड साइंस. आप मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आप मैथ साइंस फिल करेंगे, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप SST फिल करेंगे. इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी क्वालिफाई कर लो. जब भी कोई जॉब सेंटर में निकलती है तो वो बोलती है सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए. ऐसा कभी नहीं कहा गया कि ये वाला ही होना चाहिए. मान लें
मैथ साइंस वाला सीटेट क्वालिफाई है, फिर भी आप इंग्लिश टीचर के लिए दे सकते हो, क्योंकि सीटेट ने आज तक ऐसा किया ही नहीं। जैसे एसटेट के एग्जाम में इंग्लिश वालों का अलग, हिंदी वालों का अलग, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसी सब्जेक्ट पर वर्क किया जाना चाहिए, मेरी तो ये सोच है सिलेबस। लेकिन आपको पता है भाई, मुझे इंग्लिश का टीचर बन रहा तो भी मैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल ही पढ़ूंगा, मतलब मुझे थोड़ी सी बेतुकी लगता है, बट ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 60 मार्क्स एसएसटी और मैथ साइंस। अब बताते हूँ इनमें आएगा क्या क्या, कैसे कैसे आएगा। तो ये आपका 90 मार्क्स का एक ओवरव्यू हो गया, मतलब 150 मार्क्स का, सॉरी, ये आपका 150 नंबर का ओवरव्यू होगा कि पेपर में 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, 30 नंबर की हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इट मे बी पंजाबी, इट मे बी उर्दू, इट मे बी यूर लैंग्वेज। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश। फिर जो आपका 60 मार्क्स है वो आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक बच गया, और सब्जेक्ट में आपको लेवल 1 में ईवीएस एंड मैथ्स करना है, और लेवल 2 वाले बच्चों को एसएसटी एंड मैथ साइंस करना है। अब देखो पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, कैसे सीटेट पास करना है। सबसे बात कर लेते हैं साइकोलॉजी एंड सीडीपी की। तो साइकोलॉजी और सीडीपी बेहद गिने चुने टॉपिक हैं। सीटेट इज नॉट लाइक द एसटेट एग्जाम कि आपको कुछ भी दे देता है। एक लेवल होता है एग्जाम का एसटेट का कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन दे देता है, आपको एमएड तक के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। बट सीटेट वालों की एक बहुत खास बात है और बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए ऐसी, और ये बहुत अच्छी बात है, सिलेबस डिफाइन कर देते हैं। मतलब वो आपको पहले ही सिलेबस लिख के दे देंगे, भाई मैं तो इसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसमें गिने चुने आप, मैं कह रही हूँ गिनती के 10 साइकोलॉजी के अच्छे तरीके से लेसन कर लेते हो तो भी आप सीटेट क्वालिफाई कर देते हो, जिसमें आप चाइल्ड डेवलपमेंट को बेहतरीन कर लो, लर्निंग वाले चैप्टर को बेहतरीन कर लो, इंटेलिजेंस वाले चैप्टर को बेहतरीन कर लो, फिर आपको वहाँ पर जो चैप्टर है कोहलबर्ग, जीन प्याजे, वाइगोस की, ये तो सीटेट की फेवरेट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जेंडर बायसेस वाला, जो लिंग भेद वाला चैप्टर है, 100% क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ जेंडर बायसेस के अलावा, एनसीएफ से जरूर क्वेश्चन आएगा, आरटीई से जरूर क्वेश्चन आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जरूर क्वेश्चन आएगा, और ये जो स्पेसिफिक चाइल्ड और ये सब कुछ होता है, मतलब गिने चुने, इंक्लूसिव एजुकेशन है, मैं कह रही हूँ गिने चुने। आप 12 टॉपिक भी सीडीपी के अगर लेते हो, इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एसटेट में हम 30 के अराउंड भी टॉपिक कर लें तो भी हमें डाउट रह जाता है कि क्वेश्चन कहीं और से ना आ जाए। यहाँ पर कोई ब्रूनर गुथरी कुछ करने की ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ब्रूनर तो कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो गिनती के मैंने 10 टॉपिक बताए हैं, अगेन आई रिपीट, ये टॉपिक भी कर लो तो भी सीडीपी क्लियर है। आप चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर है, जीन प्याजे है, कोहलबर्ग है, वाइगोस्की है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, जेंडर बायस है, एनसीएफ है, आरटीई है, ठीक है, इनका, और ये जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो स्पेसिफिक और ये जो डिसएबिलिटीज होती हैं, आप इनको भी बेहतरीन कर लो, आपका सीडीपी सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। आप पढ़ना कहाँ से है, आप कुछ भी मत करो, मैं कह रही हूँ मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी की, उसमें नियर अबाउट 102 वीडियोज़ होंगी, उनसे बाहर नहीं आना आपका सीटेट में कुछ भी, आप सीधा वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा कंप्लीट कोर्स भी है, सीटेट वालों को शायद इतना लेने की जरूरत नहीं होती, बट हाँ किसी को बिल्कुल ही कभी पढ़ाई नहीं, बेसिक ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो आप सिर्फ ये एकमात्र सीडीपी के कोर्स से भी सीटेट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज की। ये दोनों लेवल के लिए सेम है, आपके क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन सिलेबस, सब्जेक्ट और कंटेंट चेंज नहीं होते, लेवल ऑफ योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी चेंज। अब 30 मार्क्स है हिंदी पैडागोजी। अब हिंदी पैडागोजी क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हिंदी ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लो, हिंदी ग्रामर के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वो क्वेश्चन भी पैसेज के अंदर मिलने वाले हैं, मतलब डायरेक्टली आपको वो क्वेश्चन नहीं आएंगे हिंदी ग्रामर के। और आपने इतना तो हिंदी ग्रामर पढ़ी होती है, अलग अलग आप एग्जाम्स लाइफ में देते ही रहते हो, कि आपको स्पेशल, यदि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ सीटेट है और कोई एग्जाम आप नहीं पढ़ रहे हो, साथ में कोई एग्जाम आपका नहीं होना, तो आप हिंदी ग्रामर पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, जस्ट पैडागोजी कर लें तो भी आपका हो जाएगा। हिंदी शिक्षा शास्त्र क्या है, उसकी कौन सी विधियाँ हैं, कौन सी टीचिंग मेथड है, बहुभाषिकता क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, ग्रामर के उद्देश्य क्या होते हैं, व्याकरण, डिजिटल मीडिया, और ये आपका भाषा चिंतन। हाँ, सीटेट की सीडीपी में कि भाषा चिंतन वाला टॉपिक भी जरूर आता है भाई, वही भाषा और चिंतन वाला, ठीक है, कोहलबर्ग वगैरह। तो बस ये गिने चुने टॉपिक कर लो, साथ में पैसेज, मतलब 15 क्वेश्चन तो क्या है आपको पूरे अच्छे थे पैडागोजी के गिवन होंगे, और 15 क्वेश्चंस में आपको 12 के अराउंड पैसे, 12 क्वेश्चन नंबर के अराउंड पैसेज मिल जाएगा, उस पैसेज को आपको सोल्व करना है, और उसी पैसेज के अंदर ही आपको ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ग्रामर में मैं बता दूं, सर्वनाम का टॉपिक सीटेट में जरूर आता है, एक दो टॉपिक हैं जो आप पढ़ लेना बस, जैसे सर्वनाम का टॉपिक जरूर आता है। सर्वनाम के टॉपिक के बाद यदि मैं बच्चे आपसे बात करूं, समास का टॉपिक आपको ऑप्शंस में देखा गया है, समास के बाद संधि का टॉपिक भी ऑप्शंस में देखा गया है, और एक विशेषण का टॉपिक भी ऑप्शन में देखा गया है।
ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर के मैंने नहीं देखे यहाँ पर, ठीक है। ये दो तीन टॉपिक कर लोगे तो भी क्लियर है, क्योंकि ये पैसेज के बीच में होते हैं, पैसेज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको बेसिक्स कुछ पता है तो। फिर आ जाते हैं 30 मार्क्स की इंग्लिश लैंग्वेज पे। बच्चे पूछते हैं मैम लैंग्वेज वन हिंदी ले या लैंग्वेज टू इंग्लिश ले, मतलब लैंग्वेज टू हिंदी ले या लैंग्वेज वन हिंदी। तो जो भी आप लैंग्वेज वन होती है, आपको पता है लैंग्वेज वन को वो थोड़ा सा लैंग्वेज वन आप चूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी उस भाषा पे कमांड है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज वन को स्टैंडर्ड का रखेंगे, लैंग्वेज टू को ईजी रखेंगे। तो क्या करना होता आपने, जैसे हरियाणा के बेसिकली बच्चे हैं तो मैं कहूँगी लैंग्वेज वन हिंदी लेना, लैंग्वेज टू इंग्लिश। क्योंकि आपने लैंग्वेज वन इंग्लिश भरी तो इसका मतलब वो सोचेंगे आपका इंग्लिश पे अच्छा कमांड है, तभी तो आप लैंग्वेज वन इंग्लिश भर रहे हो, और वो लैंग्वेज वन इंग्लिश आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और हिंदी को तो आपको पता ही है, हिंदी हम हरियाणा वाले तो कर ही लेते हैं हिंदी को, इतनी टेंशन होती नहीं हमें, ठीक है। अब 30 मार्क्स की इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए, अंग्रेजी की 30 नंबर की अंग्रेजी कैसे करनी है। यहाँ पर भी आपको इंग्लिश ग्रामर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी इंग्लिश की पैडागोजी सिंपल, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के मेथड्स कौन से होते हैं, सारे मेथड, टाइप ऑफ ग्रामर से हमेशा क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर और अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज की जो बिहेवियरिज्म स्ट्रक्चरलिज्म ये सारे अप्रोचेज कर सकते हो। और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप NCF, तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर भाषा में आता ही आता है, तो आप NCF को अच्छे से कर सकते हो। मतलब यही कुछ इंग्लिश के सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच है जैसे, इनको आप अच्छे तरीके से करो, कम्युनिकेशन अप्रोच है लाइक, इनको अच्छे तरीके से करो, साथ में पैसेज कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका बेहतरीन तरीके से हो जाता है। साथ में लैंग्वेज के ऊपर तो हर विषय में करना ही है, मैं कह रही हूँ सीटेट इस CDP सब्जेक्ट से भी सीटेट पास कर लेते हैं बच्चे। फिर बात कर लेते हैं आपके 30 नंबर के सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में पहले लेवल वन की बात कर लेते हैं, लेवल वन में मैथ्स एंड EVS। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी आपको 30-30 क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, आपको 20-20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 10-10 क्वेश्चन आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड पैडागोजी के मिलेंगे। पैडागोजी मीन्स वे ऑफ टीचिंग, पढ़ने पढ़ाने का क्या तरीका, किन मेथड्स को यूज़ कर रहे हो, क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड पैडागोजी, ठीक है। तो EVS एंड मैथ्स में भी आपको 20 क्वेश्चन EVS के होंगे, जिसमें आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। EVS में तीनों चीज़ें मिक्स मैच होती हैं। मैथ्स की बात करें, सिंपल सा मैथ आता है, PRT वालों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल जनरल अर्थमेटिक आता है, और उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी मैथ्स की पैडागोजी करेंगे, तो ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत मुश्किल नहीं आता है। और लेवल वन का पेपर तो सच में बहुत ईजी सा आ जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब बात कर लेते हैं लेवल टू पे। अब लेवल टू पे SST और मैथ साइंस दो सब्जेक्ट हैं, तो पहले बात कर लेते हैं मैथ साइंस की। अब लेवल टू वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, आप सिर्फ NCERT को पढ़ लो बहुत अच्छे तरीके से, जो 6-8 की NCERT होती है, NCERT बुक्स, लेकिन सिर्फ NCERT को पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आप 6-8 NCERT पढ़ लो, मतलब NCERT पढ़ने का मतलब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं लेसन को रीड कर दिया, अरे लेसन पढ़ना इज नॉट NCERT पढ़ना, लेसन में से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मैंने 6th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT शुरू की है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी 6th-7th की, तो एक बार उसको देखना कि क्वेश्चन लेसन को कैसे पढ़ा जाता है, उस लेसन में क्या कंटेंट है, उससे रिलेटेड कंटेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो चीज़ आपको NCERT से करनी है। मतलब NCERT पढ़ने का मतलब ये नहीं लाइन टू लाइन लेसन को रीड कर दिया, उस लेसन में जो कॉन्सेप्ट है उनसे जुड़े जुड़े कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो पेपर में आते हैं, और वो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ोगे तभी आपके क्लियर होंगे, सिर्फ NCERT ऐसे नहीं, ठीक है। तो NCERT के साथ साथ जो बेसिक आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वो भी साथ साथ करें। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता, मात्र हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल के क्वेश्चन आते हैं, और वही आपको 15 के अराउंड पैडागोजिकल इश्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन फुल फ्लैश हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के आएंगे, जिसमें कुछ सारे मोस्टली क्वेश्चन NCERT से आ जाते हैं, साथ में जो आप बेसिक GK में भी पढ़ते हो उनसे भी सीटेट क्लियर हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही मैथ साइंस में, यहाँ पर मैथ्स थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, साइंस में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के 9th क्लास के बहुत आते हैं भाई सीटेट में, 9th क्लास के NCERT को बेहतरीन कर लेना, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को NCERT से कर सकते हैं और पैडागोजी को हर तरीके से। तो ये था सीटेट का एक सिलेबस, ठीक है, कि भाई सीटेट में क्या सिलेबस आता है और किस तरीके से आपको पढ़ना। अब पास होने के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने लेसन्स बताए हैं स्पेसिफिक आप वो लेसन्स कर लो, साथ में सीटेट पास होने में रामबाण जिसको बोलते हैं, रामबाण सहायक होते हैं सीटेट के प्रीवियस पेपर। कुछ भी मत करो चाहे, बट सीटेट के यदि आपका बेसिक क्लियर है, आपने कोचिंग ले रखी है, आपने पहले पढ़ रखा है, सब कुछ आपको आता है, तो आप कुछ भी मत करो, सीटेट के प्रीवियस पेपर्स कर जाओ। 2011 से सीटेट शुरू हुआ था, 2021 आ गया, नियर अबाउट 10 ईयर्स हो गए आपके, तो जो 10 ईयर के सीटेट के प्रीवियस पेपर हैं बच्चे, आप इनको भी बहुत बेहतर, क्योंकि आपको पता सीटेट ऑलवेज रिपीट द क्वेश्चंस,
सीटेट हर बार रिपीट करता है क्वेश्चंस को, हमेशा आदत है सीटेट की। 2013 के क्वेश्चन आपको 2020 में पक्का मिल जाएंगे। कहने का मतलब किसी ना किसी ईयर के क्वेश्चंस इंटरचेंज हो गए। सपोज रिपीट भी ना हो ना, तो सेम आप आइडिया लगा लो कि ये वाले टॉपिक पूछे गए हैं, तो सीटेट भाई पत्थर की लकीर है, आगे भी वही टॉपिक पूछता है। सीटेट हो जाए ना एसेट की तरह स्टैंडर्ड, फिर आएगा मजा कि हाँ भाई पास करो सीटेट को। लेकिन यहाँ सीटेट सिंपल सा है भाई, अपना तरीका नहीं बदलता कभी भी। जो पिछले साल जो टॉपिक पूछे, इस साल भी वही टॉपिक पूछेगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर से ये भी तो आइडिया ले सकते हो कि इन टॉपिक्स को ज़्यादा पूछा गया है, उन टॉपिक्स को आप द बेस्ट कर लो। तो आप जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर को दोहरा लो या कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट आप ले लो, सच बताऊँ आपका सीटेट इनसे भी क्लियर हो जाएगा। अब जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो एक आधे नंबर से रह जाते हैं, तो उनको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की और मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एक एक दो दिन अपनी रिविजन्स करें। लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, मैंने कहा विदाउट कोचिंग यू कैन क्रैक द सीटेट। मैं तो नहीं कहती कि आप मात्र मेरे चैनल पे हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, साइकोलॉजी मैंने बहुत बहुत बेहतरीन कंप्लीट कर रखी है, उससे आपके सीरियड में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सीरियसली। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि सिलेबस क्या होता है, हाँ आप एक अच्छी गाइडलाइन ले सकते हो। मतलब आप कोचिंग लेना चाहो कोचिंग ले सकते हो, मेरा ऐप है अचीवर अकेडमी ऐप, तो वहाँ पर कंप्लीट यूपी टेट सी टेट का कॉम्बो बैच है, मतलब यूपी टेट एंड सी टेट के नाम से। तो आप चाहो तो बैच भी ले सकते हो। यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी जो फ्रेशर्स हैं, दे नीड टू कोचिंग, दे नीड टू गाइडलाइन। आप बेशक ऐप पे कोर्स मत लो, बट यूट्यूब से भी बेहतरीन मेरी जो प्लेलिस्ट है ना, आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, हिंदी की पैडागोजी, इंग्लिश की पैडागोजी, आप इनको भी अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, मैं कह रही हूँ 90 नंबर तो भी आपका एग्जाम निकल जाता है। और एनसीईआरटी और प्रीवियस पेपर कर लो, और कुछ भी मत करो, यू कैन ईजीली क्वालिफाई यूअर सीटेट, ठीक है। तो बच्चे अब तक तो सीटेट का यही था, आगे कुछ नोटिफिकेशन में चेंजेस आते हैं तो चेंज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हम हाजिर हैं, चेंज के ऊपर नई वीडियो बना देंगे। एंड मैं तो विश करती हूँ पीजीटी लेवल पे भी सीटेट होना चाहिए, ताकि सब्जेक्ट वाले बच्चे भी फाइट करें, उनका भी एक वो बढ़े। और सबसे विशेष बात क्या है, सीटेट अब हो गया है लाइफ टाइम वैलिड, है ना। तो आप बेशक मान लो जिनको नहीं आता, बेशक कोचिंग ले लो, क्योंकि एक बार की कोचिंग लाइफ टाइम सर्टिफिकेट। अब ये नहीं है कि 7 साल के बाद वैलिडिटी एक्सपायर होने की टेंशन है, बिल्कुल भी नहीं, इट्स लाइफ टाइम वैलिड फॉर यू। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और बच्चे वीडियोस को शेयर किया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने फ्रेंड्स को सीटेट देना, वीडियो को जरूर शेयर करें। कोचिंग चाहिए सीटेट की तो अचीवर अकेडमी ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यू विल गेट द कंप्लीट बैच ऑफ सीटेट। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।